सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी यानी ग्रामीण समाज शास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर वन है। ठीक है, मैंने इससे पहले कोई भी लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया था। ठीक है, ये हमारा लेक्चर वन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखेंगे, पहले इसके डिफिनेशन देखेंगे, समाजशास्त्र क्या होता है। ठीक है, समाज क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इसके फादर कौन है। ठीक है, इसका स्कोप देखेंगे। ठीक है, और इसका मैं किसी में विस्तार के बारे में भी देखेंगे और इसका महत्व देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देख लेते हैं समाज की परिभाषा। देखिए, समाज क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ सोसाइटी। समाज को इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो नंबर का आपका टिप्पणी में पूछता है। ठीक है, तो देखिए, लोगों का समूह जो सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे से कम या अधिक परस्पर संबंध रखते हैं। सामूहिक गतिविधियाँ कैसे, क्या क्या हो गया, जैसे किसी वस्तु का लेन देन। ठीक है, या फिर किसी शादी विवाह। ठीक है, सामूहिक गतिविधियाँ हो गई। ठीक है, इस प्रकार से तो इसे बोलते हैं समाज बोलते हैं। इसके बाद समाज के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, तो लक्षण पहला हमारा आता है परस्पर निर्भरता, दूसरा सहयोग है, और तीसरी में बात करूँ तो समानता है। ठीक है, जो समानताएँ होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से है। तो देखिए, जो समाज होती है, अस्पष्ट जो समाज होता है वो समानताओं के आधार पर टिकता है, यानी कि जो समानताएँ होती है। ठीक है, यह मुख्य लक्षण है। ठीक है, इसका और सहयोग भी है, क्योंकि देखिए जो समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो एक दूसरे की दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट आपका आता है ग्रामीण समाज, रूरल सोशियोलॉजी। तो इसके बारे में देखिए, वह समाज जिसका मुख्य कार्य खेती एवं लघु कुटीर है, कुटीर उद्योग है। ठीक है, वह समाज यानी वह सोसाइटी जिसका मुख्य कार्य खेती या फिर लघु कुटीर उद्योग है तथा जनसंख्या घनत्व कम होता है, ग्रामीण समाज कहलाता है। बहुत ही सरल भाषा में समझ गए होंगे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी की मैं बात करूँ तो अगस्त कोमते, क्या है, अगस्त कोमते, ये क्या है, फादर है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए समाजशास्त्र की शुरुआत। ठीक है, सर्वप्रथम यूएसए में हुई थी, यानी अमेरिका में हुई थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ तो देखिए, जो समाजशास्त्र है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा शब्द है, तो पहला हमारा आता है सोशियस। क्या आता है हमारा, सोशियस। तो सोशियस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करें। इसके बाद लोगस, तो लोगस का मतलब होता है अध्ययन या फिर तर्क या फिर भाषण। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सोशियस के बारे में देख लेते हैं। तो जो सोशियस है, यह लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, सोशियस का मतलब साथी या समाज है। क्या है, साथी या समाज है। लोगस की मैं बात करूँ तो देखिए, लोगस जो है ग्रीक या यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना हुआ है, यह एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, देखिए लोगस का मतलब होता है तर्क या फिर भाषण या फिर अध्ययन। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए समाजशास्त्र की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र की परिभाषा, आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो देखिए समाजशास्त्र की परिभाषा, मानव संस्कृति, सर्वप्रथम देखेंगे ईसा पूर्व की में। ठीक है, ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मानव सामाजिक प्राणी है, जो मानव है वह सामाजिक प्राणी है। जी हाँ दोस्तों, जो मानव ही है वो सोसाइटी का एक प्राणी है तथा अलगाव में नहीं रह सकता, यानी कि जो हमारा आदमी है, ठीक है, व्यक्ति है, मानव है। ठीक है, मानव को यदि अलग रखें, ठीक है, कहीं अलग रखें यानी सुनसान में अकेला रखें, तो इसे अलग नहीं रख सकते, क्योंकि वो मानव ज़्यादा देर रह नहीं पाएगा। ठीक है, वो पागल हो जाएगा। तो इसमें देखिए, समाजशास्त्र में हम समाज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अथवा की मैं बात करूँ तो देखिए, अथवा के स्थान तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, समाज में लोगों के व्यवहार, उनके विभिन्न सामाजिक समूहों में अंतर एवं अंतर संबंध का विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है रूरल सोशियोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र। देखिए, यह समाजशास्त्र की एक शाखा है। क्या है, एक शाखा है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला रूरल, दूसरा सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा यानी रूरल सोशियोलॉजी की डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी, आप लोग इंग्लिश में लेक्चर चाहते हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में बता दूंगा वीडियो। ठीक है, देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा, तो देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र तथ्य एवं सिद्धांतों का व्यवस्थित ज्ञान है, जिसमें ग्रामीण वातावरण मुख्य रूप से किसी विरासत, व्यवसाय और
लोगों में मानव संबंधी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। मानव समाजशास्त्र ग्रामीण समाज की संरचना एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार का अध्ययन है। अगला आता है यह ग्रामीण समाज की जरूरतों एवं उनके हित का अध्ययन है। इसके बाद अगला आता है यह ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करता है। इस प्रकार से अगेरा वगैरह है, आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF दे दूँगा। समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है? तो देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में काम करता है। पहला हमारा आता है देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु। तो देखिए इसमें सबसे पहले ग्रामीण लोगों के साथ बात की जाती है, ठीक है, तथा उनसे उनके सामाजिक ज्ञान को एकत्रित किया जाता है। पूर्व एवं वर्तमान के हालात को देखकर उन्हें मिलाकर समाज की समस्याओं को खोजा जाता है, ठीक है। अगला आता आपका दूसरा ग्रामीण समाज में अनुसंधान यानी खोज, रिसर्च। तो देखिए अनुसंधान शोध प्रक्रियाओं द्वारा ग्रामीण समाज की समस्याओं एवं उनके ज्ञान पर गहराई में अध्ययन किया जाता है तथा ग्रामीण काम में आते हैं। तीसरा आपका आता है ग्रामीण समाज की समस्याओं का हल। तो देखिए विषय एवं शोध से प्राप्त आंकड़े, ठीक है, ग्रामीण समाज के लोगों से प्राप्त सामाजिक ज्ञान के आधार पर विश्वास रखते हुए उन समस्याओं का बारीक से अध्ययन करके ग्रामीण समाजशास्त्र की समस्याओं का हल किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है समाज। समाज के बारे में देख लिए हम, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से तो क्षेत्र भी हो गया। इस प्रकार से सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी एक और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।